पार्लियामेंट हाउस में राहुल गांधी का शानदार इस्तकबाल। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहमदाबाद हाई कोर्ट की लोकसभा की रुकने से नाअहली पर रोक लगाने के बाद लोकसभा के स्पीकर ने राहुल गांधी के रुकने पार्लियामेंट के ओहदे को बहाल कर दिया है। इससे कांग्रेस पार्टी खेडर में मसर्रत की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट में मिठाइयाँ बांटी। स्पीकर के दफ्तर ने उनकी रुकनियत को बहाल करने के बाद राहुल गांधी आज पार्लियामेंट पहुंचे। पार्लियामेंट हावी में राहुल गांधी का शानदार इस्तकबाल किया गया। पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने के बाद राहुल गांधी जैसे ही कार से उतरे, इन्हें सैकड़ों अफराद ने घेर लिया और वहां मीडिया भी मौजूद थी, लेकिन मीडिया से बात किए बगैर ही मुस्कुराते हुए वो अंदर चले गए। कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने राहुल गांधी का शानदार इस्तकबाल किया। खबल से उन्होंने महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने गुल्हाए अकीदत पेश किया। 8 अगस्त 2023 को अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर राहुल गांधी बात करेंगे। मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिली राहत के बाद राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनियत तकरीबन 138 दिनों बाद बहाल हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सजा पर रोक लगा देने के बाद 7 अगस्त की शाम तक राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनियत बहाल न होने पर मंगल को दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया था। ताहम इससे पहले ही उनकी रुकनियत बहाल कर दी गई है। आइए देखते हैं इसकी मजीद झलकियां। ये बताइए, जस्ट मना रहे हैं आप लोग, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी की जीवन, राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर और देश को जो सरकार कुचलने पर लगी थी लोकतंत्र को, उसके खिलाफ एक आवाज, किसानों की दबी आवाज, महिलाओं की दबी आवाज, युवाओं की दबी आवाज, माइनॉरिटी की दबी आवाज, दलितों की दबी आवाज, व्यापारियों की दबी आवाज, सरकारी कर्मचारी की दबी आवाज। राहुल करने पर हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गरीबों की आवाज को सुना है, देखा जी। आदरणीय राहुल गांधी की सदस्यता भाषण में यहाँ पे हड़कंप मच गया। आज वो लोकसभा पहुंचाए सदस्यता बहाल होने पर हम लोग यहाँ पे हजार बोलने आए और जो राहुल गांधी से गरीबों की आवाज, महंगाई, बेरोजगारी की जो आवाज उठा रहे थे, वो आज वो अपनी ब्रंथ के साथ आज वहाँ पहुंचेंगे। और हमने देखा कि मोदी जी कभी सदन में उसके बाद नहीं आए, राहुल गांधी जी नहीं गए तो वो भी नहीं आए। आज मुझे आपको देखने को मिलेगा कि मोदी जी भी वहाँ मौजूद होंगे और राहुल गांधी जी वहाँ। आज जो गरीबों की आवाज, जो किसानों की आवाज, 700 किसान जो मरे हैं, आज आपने देखा धान रोपण, उस व्यक्ति ने जाके किसान के खेत में धान रोपण किया है और धान रोपण करने का आज देख रहे हैं। आज आजाद मंडी में जाकर उन्होंने भाव का पता किया है। आज 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, भिंडी 100 रुपए किलो बिक रही है, तो 20 रुपए किलो 100 रुपए किलो बिक रही है। आज जो महंगाई शर्म की बात है वो राहुल गांधी जी ने आज देखा। जो इंडिया हमारा संगठन बनाया है उसके नेतृत्व में राहुल गांधी जी आने वाले 24 में उनका सॉल्व करने की कोशिश की है।
मानसाई की आ रही है, नफरत की आ रही है, मोहब्बत की जीत हुई है। राहुल गांधी जो है देश के और जन जन के प्रिय नेता है, आज सच्चाई की जीत हुई है। जिस जैसे मिलके बीजेपी सरकार ने राहुल जी की सदस्यता रद्द करी थी और सच्चाई की जीत हुई, आज दोबारा आज उनको दोबारा मान सम्मान मिला है और देश के प्रिय नेता आने वाले प्रधानमंत्री भी बनेंगे।